हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि दो दिन बाद हमारा जो ग्रुप है रीयूनाइट हो गया है। आई एम रियली रियली हैप्पी। होता है ना, खुशी होती है अंदर से। जैसे पता नहीं क्या थोड़े बहुत इश्यूज़ थे, रोहित भाई के, दीपक भाई के, सबके ही थे, मतलब मेरे भी थे कुछ, एंड उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा अलग होना पड़ा। बट वो होता है ना, वाइब तो अपने दोस्तों के साथ ही आती है, इसलिए हम वापस आ गए हैं। और आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने, वहाँ पर कुछ सरप्राइज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या सरप्राइज है, वहीं देखना आपने। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे अगली क्लिप में। दोस्तों वी आर बैक। रोहित भाई, रोहित भाई खुशी है आपको वापसी यूनाइट होने की? आ गए वापसी, ये शु भाई दे समथिंग यार, इतना पसीना क्यों है भाई? ये इतना इतना भारी भाई, 10 किलो का बैग लेके आया है। अभी प्लान बताते आगे हमको, चलो साथ बज गए, जल्दी चलो। दीपक भाई को भी लेते हैं। दीपक भाई बहुत मुश्किल से कटे 3 दिन भाई, कसम से भाई, तीसरे दिन मिल रहे हैं कसम से भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रकृति आपको कैसा लग रहा है? बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आरियश भाई तो कैमरे में खोए हैं, चले चले चलो जल्दी चलो। तो दोस्तों अगर बात की जाए सबसे स्वीटेस्ट पर्सन ऑन अर्थ की, यार ये मच्छर मेरे को ही क्यों काटते यार, इतने रेसिस्ट मच्छर क्यों है? मैं काला हूँ तो इसका मतलब मेरे को ही काटेंगे मच्छर। और प्रकृति यहाँ पे भाग रही है, देखो। प्रकृति आप भाग क्यों रहे हो यार, ये बताओ? आप सबसे स्वीटेस्ट पर्सन है लाइव। अगर आपकी वीडियो ना और टाइम ज्यादा हो जाएगा मैगी बनाते बनाते, वो तो आपको पता है घर में लोग बोलेंगे क्या कहा कहीं होने नहीं देगा मैं ऐसा। डर क्यों रहे आप? डर क्यों लगे ना तेरे आने से पर तेरे जाने? हाँ बोलो, फास्ट चलना है। ठीक है, 7:05 हो गए, वहाँ पहुँचते पहुँचते 8 बजे जाएंगे। जाम जा रहे हैं? हाँ ठीक। यश भाई मैं चेक लेता हूँ रास्ते में, कहीं ना कहीं चेक लूंगा। क्या क्या बैग लेज लूज भाई को चाहिए? चेक लेंगे आगे, एक आधी है, एक है बीच में। देखिए मैंने आज कहां का है, एक है अब देख, वो नहीं पता। बस दोस्तों सारे निकल रहे हैं, हम बहुत लेट है, वरना तो जल्दी भागना पड़ेगा, जल्दी झटपट भागो। रुक ही गए आप हमारे कहने पे, फिर आज आप आएंगे? मतलब 3 दिन बाद आ रहा हूं आपको, जोर से बोलो थोड़े जोर से। 3 दिन बाद आ रहा हूं भाई, वही शर्ट पहन के, वही शर्ट पहन के भाई जी, इतना रोया हूं मैं पता है आपको। मुझे यार दीपक भाई ऐसा लगा ना, माँ के साथ होता नहीं है एक यार की भाई दोस्ती टूटना कैसा होता है भाई, अपना ग्रुप भाई, अपना प्यारा सा ग्रुप। सच बोल दिया, गामड़ी आ रही है। तो दोस्तों हमारे आगे हमारे दोस्त लोग चल रहे हैं बिल्कुल तेजी से, बिल्कुल ऐसे कि पहुँचना है, समझ रहे हो? और यहाँ पे गाड़ियाँ पानी चला ही है, बट हमारे जो दीपक भाई है वो वाला पोज कर रहे हैं अपना, कौन सा पोज होता है वो भूल जाता हूँ मैं यार, बदन का ही पोज है, आइकॉनिक पोज ऑफ शाहरुख खान। शाहरुख खान का नहीं आपका अपना है? चलो तो सारे चले हुए दोस्तों अलग अलग भाई, चल रहे नंगे पैर बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, कट, मम्मी मेरे को काट देगी वरना। नहीं भाई ये नहीं कटेगा, छोड़ लिया। बोलो। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, नंगे पाँव चलना चाहिए जोर से, इससे ना बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सी बीमारियां ना भग जाती है। मैं आज ये देख रहा था यूट्यूब में, पता है? अच्छा नंगे पैर, हाँ सही बात है, नंगे पैर चलने से बहुत फायदे होते हैं। इसलिए ना मतलब जो नंगे पैर चलते हैं ना उनको ज्यादा बीमारी नहीं होती। बिल्कुल, काफी बीमारियां आती है ना, मतलब बीमारियों से दूर रखते हैं नंगे पैर चलना। हाँ क्योंकि नीचे से पता नहीं कौन सी ऊर्जा आती है हमारे अंदर, ऐसे तो कुछ है। तो दोस्तों ये था हमारे शिवी भाई का शुभ संदेश आप लोगों के लिए, इसलिए हमेशा नंगे पैर चलिए। जूते तो ऐसे ही बना दी कंपनियों ने, पागल है कंपनी वाले, समझ रहे आप, नंगे पैर चलना है आपको। अमीषा को होती है मोटी स्वेटिंग, बाकी अमीषा खुद इलेबोरेट करेगी। मैं क्या इलेबोरेट करूँ, चप्पल हाथ में पकड़ के चल रही हूँ और ट्रक वाला आ गया है। और दोस्तों ये भी नंगे पैर शुभम के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, कि शुभम आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं? शुभम मेरे नक्शे कदम पे चल रहा है, नहीं पग यात्रा करनी है, हम टेम्पल देखने जा रहे हैं निशा। अच्छा हाँ, तो टेंपल देखने के लिए मेरा था ये कि मैं नंगे पैर जाऊंगी, थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए ना आदमी के मन में। बिल्कुल, इसलिए नंगे पैर चल रही हूँ, तभी थोड़ा स्वच्छ हो सकता है इंसान, अच्छा हाँ, हो सकता है। आदमी के गंदे विचार बाहर आने चाहिए। बिल्कुल नंगे हाँ, पैर चल के नंगे पैर, बाकी तो आपके हाथ में सब कुछ है। बिल्कुल मेरे हाथ में दोस्तों जूते पकड़ा दिए शुभम ने, खुद साला फोटो खींच रहा है दीपक भाई की, और देखो भाग भाग के आ रहे हैं बिल्कुल उछल उछल के। ये ले भाई पकड़, मेरे हाथ में किमरा भी था। भागो। क्या कर रहे हैं आप इतनी गंदी स्मेल के बीच? लमकड़िया ले रहे हैं। अभी तक हमारे सब्सक्राइबर्स को पता नहीं है कि आप हम करने क्या वाले हैं।
तो बताओ कितनी गंदी स्मेल थी यहाँ पे यार। रोहित भाई आपका ना ऊपर ही वाला कैरेक्टर मिस कर रहे हैं दोस्त लोग, क्या सीन हो गया है? सीन कुछ नहीं, अभी तो भूल गया पिछला व्लॉग डाला था मैं। लकड़ियाँ उठा लो भाई। हाँ सही बात है, कैमरा ना चलाओ, लकड़ियाँ उठाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्लान है हमारा। ओके इतनी लकड़ियाँ तो मैंने ले ली है भाई, ये तो इतने आगे चले गए भाई, मोटे आगे चले गए वो लोग देखो। तो दोस्तों इतनी सारी लकड़ियाँ प्लस रोहित भाई के हाथों में भी है लकड़ियाँ, पहुँच चुके, बाकी किसी ने कुछ नहीं चखा है भाई। ये देखो ये पत्थर ला रहे हैं, अब बाकी आपको पता हो सकता है कि क्या बनने वाला है आगे, थोड़ा सा सस्पेंस है दोस्तों, रिवील हो जाएगा। और ये देखो कैमरामैन प्लस एक लकड़ी चखने वाली हमारी मिशा, जल्दी जल्दी आओ। ये था आज का सीक्रेट जो रिवील करना हमने, ये रही हमारी मैगी, ये हमारा पानी, ये भी पानी, और ये भी पानी, ये भी पानी, साइड में भी पानी, ये कोक है साइड में, और एक पानी और है भाई, ये पानी 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 हो गई। और ये हमारी कढ़ाई, ओ अपना फेमस डायलॉग तो बोलो वाला यार, कौन सा पानी वाला? भैया जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है, पीजिए भैया जी, कितना पानी पीना हमने दोस्तों। यहाँ पे अमीषा तो थक गई है बिल्कुल नंगे पैर चल के, और शिवी भाई का भी बैंड बजाओ दौड़ दौड़ के, नहीं मजा बस। दीपक भाई, प्रकृति जी और हमारे यश भाई ठीक है, चूल्हा यहाँ पे बना दिया गया है, मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई है, मैं अपनी शक्ल भी दिखाता हूँ, आ रहा हूँ मैं। अरे दोस्तों मैं बिल्कुल एकदम सेक्सी लग रहा हूँ मैं, और बस आज अभी मैगी भी बहुत अच्छी सेक्सी वाली बनने वाली है। आज का कुक कौन है वैसे? सारे ही कुक है दोस्तों, बता ही नहीं रहा कोई, बहुत ही बिजी है ये लोग काम करने में, सब बोल रहे हैं मैं हूँ पर पता नहीं कौन है, इसलिए सभी कुक है। बना के दिखाते हैं आपको मैगी कैसी बनी है हमारी, बड़ी। तो दोस्तों हमारी जो लड़कियां है अमीषा और प्रकृति, ये लग गई है लड़के वाले काम में, मतलब मैगी खोलने, और लड़के वहाँ पे लकड़ियाँ लुकड़ियाँ तोड़ रहे हैं, थोड़ी सी चोमड़ी तो बनती है। हाउ इज इट टेमिस्टी? ओ भाई जी जला दो, कब जलानी रोहित भाई, कब जलानी? बस दीपक दीपक को जला रहा हूँ। बस भाई जलने वाली, अब तो आ गया यश भाई, हमारे मोटे प्रो बंदे हैं, मजा के कोई माजी साइड ग्रो से माजी साइड ग्रो रखो कढ़ाई पर, नहीं अभी तो भाई जलने दो, जलेगा ये अभी, सूखी लकड़ी है भाई, आराम से फुला दो। वो सूखी पक्की भी लाई तुमने? पक्की क्या होती है पक्की? जो टाइम तक ज्यादा टाइम नहीं होती है वाली, कोई नहीं है, पर ये देख पीछे लकड़ी और बना देते माजी तोड़ते रहे। मसाला भाई प्रकृति, मसाला भाई अमीषा, ये ले रोहित, वो रुक गई है, रुक गई है, रुक गई है, रुक गई है, वो नीचे लकड़ियां करा के आगे जब तक ये लोग हम बना रहे हैं मैगी, दीपक भाई और शिव भाई को देखते हैं। गुरुदेव गुरुदेव क्या करना है? अच्छा पक्का? नहीं नहीं अंधेरा तो नहीं है भाई जी। साली रेसिस्ट। आग जल गई है दोस्तों, आग जल चुकी है दोस्तों, और और ये हमारा प्लेस, जब भी हम घूमने आते हैं तो यहाँ बैठते हैं, यहाँ से हमें नीचे का व्यू दिखता है, और आगे वो खनेरी हॉस्पिटल है, आपको दिखाएंगे नीचे भाई, अभी दिखाओ जल्दी, बिल्कुल अभी घुमाऊँ। हाँ ये लो दोस्तों, वो यहाँ पे हमारा ये खनेरी हॉस्पिटल है, और नीचे देखो नीचे ये हमारी नदी है, ठीक है, तो हम यहाँ बैठते हैं, सक्सेसफुल हो रहा है दोस्तों, मास्टर शेफ आपके साथ है, उसने हमें स्पाइरिंग लाई थी ऐसे करके, आछी धुआं देख रहे हो दोस्तों, धुआं। और यश भाई अपने खेड़ी तो सबसे ना, मैंने बोला इनको कि ये हैंडल जल जाएंगे, कोई चक्कर नहीं, बोला अपनी तो कढ़ाई है, बोला है अपनी कढ़ाई भाई, फिर बोला हमारे रोहित भाई ने कि शुभी निकालेगा कैसे, बोला शुभी तो अपना ही है, निकाल ही लेगा कैसे ना कैसे। तो दोस्तों मैगी तो डाल ली है हमने, और आग भी ठीक ठाक जल गई है, पर इसके लिए हमारे पास कड़छी है नहीं, इसलिए लकड़ी को धो के हम घुमाएंगे इसको। देखो मैं बोल रहा हूँ कि हम नॉन वेज तो खाते हैं, ठीक है, लकड़ी वैसे भी नॉन लिविंग थिंग है, हाँ क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तू क्या खींच रहा है भाई, धुएं का फोटो खींच रहा है शुभ भी,
दोस्तों बाकी लोग इंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक, बोलो कब बनेगी तुम्हारी मैगी, ये तो स्ट्रगल तुम्हारे को ही पता है। हमारी लकड़ी पता जब ना कौन सा टाइम होता है, पुराना वाला टाइम, पुराना 19 का, उस टाइम ऐसी होते थे क्या गड़छियां ऐसी होती थी लकड़ी की। लेकिन ये थोड़ा पता क्या सीन है, ये ना देखो गिल्ली अभी तो इसमें सूप जाएगा, वो सूप क्यों थी लकड़ी ना, तो उससे बनाते थे फिर वो। हाँ, इसका और चॉपस्टिक किसकी होती है लकड़ी की। हाँ वो तो होती है चॉपस्टिक, बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों सबका रिव्यू मैंने दे दिया था, मेरे हाथ में फ्लैश है इसलिए मैं हाथ से नहीं दिखा सकता आपको, पर बहुत ही ज्यादा बुरे हाल हो गए हैं यहाँ पे इसको मैगी बनाते बनाते। अब पता लगा कि पहले जमाने के लोग ना मतलब कि बुरे हाल होते हो गए उनके मैगी, मतलब कुछ भी चीज़ बनाते हैं। अब तो हमारे पास सिलेंडर वगैरह है ना, ईजी हो जाता है सब कुछ, बट ना ही भाई पुराने ज़माने में ईजी नहीं था, बट चलो बनी जाएगी। अब तो रोहित भाई हमारे कुक है, बाकी हेल्पर्स है अमीशा और प्रकृति, बाकी लोग इंजॉय कर रहे हैं और मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यू रीयूनियन रहा एकदम सफल। तो हमारे पास चम्मच नहीं था इसलिए मैंने बनाई मोटी जुगाड़, ये हमारी चॉपस्टिक लकड़ी वाली चॉपस्टिक्स। मेरे को चलानी नहीं आती सही में नहीं आती, मैंने वहां पे सीखी थी यार रोड में चाइनीज कॉर्नर। शुभे कैसी है मैगी, सूप वाला है कोई? यश भाई हाउ इज इट, काम तो भाई जी। यश भाई बताओ फिर कैसे रहे आपके दो दिन विदाउट अस, मैं तो था आपके साथ बाकी दो। बस ऐसा लग रहा था कि दोस्ती में थोड़ी सी मिठास कम है, चाय पीने के लिए मेरे मालिक नहीं थे मेरे साथ, ठीक है मालिक बाकी खाना खिलाने वाला मेरा दोस्त नहीं था मेरे साथ, ठीक है, और शुभम और मैं तो एक टीम में थे ही, पर मजा नहीं आ रहा। आज बेचारे ने मैगी बना के खिलाई है बढ़िया। दोस्तों मेरी शादी में छाते ले आना क्योंकि बारिश हो सकती है, असली वाली छाते लाना, पर नकली वाली नहीं बोले छाते, तो मैं गिफ्ट करूंगा इनको। छाता बस चल पड़ी ऊपर भी देखो लाइट वाली। चुप रह तू बोल, ये बस आती जाती रही तू बोल। आप बताओ जरा मेरे को क्या सीन है फिर, कैसी रही आप, कैसी लगी आपको मैगी भाई? बहुत टेस्टी है भाई, किसने बनाई? ये हमारे मैंने भाई मैं दिखी नहीं रहा हूँ, मैंने बनाई ये, बस लास्ट टाइम बोल दो कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स को। मैं तो इन्हें बोलूंगा कि दोस्त बनाओ पर ऐसे नहीं बनाओ। शुभ भाई आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट? तुझे तो ऐसे फर्क नहीं पड़ा, सभी तेरे दोस्त थे ही। बढ़िया गया तूने छारू, मैं हूं तेरे साथ। यस देखा ऐसे सपोर्टिव दोस्त हम जैसे नहीं है। इसी के साथ दोस्तों आज का व्लॉग हम एंड करते हैं, मतलब कूड़ा जलाने के साथ। जब भी आप कहीं कैंपिंग पे जाते हैं तो कूड़ा पक्का जलाएं, एक बार रोहित भाई से भी सुन लीजिए। वैसे तो बोलते हैं कि कूड़ा जलाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा है कि अगर आप कैंप साइट पे जा रहे हो और घर से बहुत दूर हो और डंप नहीं कर सकते हो तो इसको जला दो। तो दोस्तों कूड़ा हमने सारा जला लिया ताकि हमारी प्रकृति को कुछ भी वो ना नुकसान ना पहुंचे। और इसी के साथ दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और कैंपिंग एंजॉय करें।